एंड सैटरडे संडे का एंजॉय करेंगे, साथ में मार्केट में रीडिंग जरूर करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं इस समय थोड़ा सा काफ़ी बिजी होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और दूसरी बात थोड़ा नेटवर्क का भी इशू रहता है हमारे यहाँ, जिस लोकेशन में मैं लेटेस्ट टाइम में हूँ, तो थोड़ा नेटवर्क का इशू की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं, बहुत से व्यूवर्स हैं जो हमेशा वीडियो का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊँगा और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके सामने अभी मैं लाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा एक मेन जो नया कंसेप्ट है, आपने हमारे थंबनेल में देख लिया होगा कि जो जीरो ब्रोकरेज है वो किस में लगता है, और जो कोटक सिक्योरिटी में है आप अपना अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, और कोटक सिक्योरिटी में ओपन करने के बाद आपको अगर कोटक न्यू में आपको ट्रांसफ़र करना है, माइग्रेट करना है, तो आपको किस तरह से करना पड़ेगा। तो इसी संबंधित मैं आज सबको ये बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो में लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे, ये कोटक सिक्योरिटी का कोटक न्यू का प्लेटफॉर्म है। अगर आप कोटक सिक्योरिटी यूज करते हैं तो कोटक सिक्योरिटी में थोड़ा सा हल्का फुल्का इशू आता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पहले आप ट्रेड डालो, ट्रेड तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन जब उसमें अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, मान लीजिए जैसे आप स्कैल्पर हो, तो उसमें क्या होता है कि जब हम एग्जिट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा उसका लंबा हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर आप जैसे कोटक सिक्योरिटी में अपना जैसे आप ओपन कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप कोटक न्यू में शिफ्ट कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक माइग्रेट हो जाता है, आपको ज़्यादा कुछ करने की परेशानी दिक्कत नहीं होती। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम और हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो बहुत आप सबका हेल्प करेंगे, और आपका कोटक सिक्योरिटी से कोटक न्यू में माइग्रेट होने में टाइम आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब मैं इसकी बात बताता हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि इसका जीरो ब्रोकरेज है, आप जितनी मर्जी ट्रेड करिए आपका कोई भी ब्रोकरेज का चार्ज नहीं लगने वाला। आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये मेरा मान लीजिए अकाउंट है, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से जीरो ब्रोकरेज यहाँ पर लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे, बोला सर कहाँ से पता चलेगा, पहले मैं आपको यहाँ पर प्लान दिखाता हूँ, इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको अकाउंट ओपन कैसे होगा, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे सबसे नीचे जाएंगे, अगर मान लीजिए जब ये ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आप एक्सप्लोर ब्रोकरेज प्लान में जाएंगे, सबसे नीचे देखिएगा, इसको जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर तीन टाइप के प्लान इसमें आते हैं। एक ट्रेड फ्री प्लान आता है, इसके बाद ट्रेड फ्री यूथ प्लान आता है, इसके बाद ट्रेड फ्री मैक्स प्लान आता है। तो जो ट्रेड फ्री प्लान होता है वो ज़्यादातर लोग लेते हैं, वो ओवर 30 लेते हैं, मतलब जो जिनकी एज 30 से ऊपर हो जाती है उनको क्या है, ट्रेड फ्री प्लान लेना चाहिए। जो ट्रेड फ्री यूथ प्लान है वो लेटेस्ट टाइम में चल रहा है, जैसे कि अंडर 30 जो है, मतलब जिसकी एज 30 साल से नीचे है, वो क्या है, ट्रेड फ्री यूथ प्लान लेते हैं। ट्रेड फ्री यूथ प्लान में क्या एक इसमें आप देख रहे होंगे, जैसा कि इंट्राडे हर एक सेगमेंट में आपका जीरो है, जी हाँ बिल्कुल जीरो गए, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं सच बताऊं, हम लोग यूज कर रहे हैं, जो लोग यूज करते होंगे आप उनसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, जितने मर्जी आप इसमें जितने लाट आप यूज करो, एक एक लाट करके आप 100 बार करो ट्रेड, आपको ब्रोकरेज जीरो लगने वाली है। और यहीं पर अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में आप ट्रेड कर दिए, गलती से मान लीजिए आपने 10 लाट भी ट्रेड कर दिया, 10 बार ट्रेड कर दिया, तो आपका ये मान लीजिए ₹500 आपका ब्रोकरेज हो जाएगा। उसके बाद आपने नए ट्रेडर बेचारे क्या प्रॉफिट करेंगे, क्या लॉस करेंगे, उनका तो सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज में ही मार खा जाते हैं वो। इसलिए ये सबसे अच्छी चीज़ ये आपको सीखने के लिए, और आप सीखने के साथ साथ अगर आप लगभग बीच वाले हो, मतलब बीच के जैसे ट्रेडर हैं, सीख भी लिए, अभी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, बीच में मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, उनके लिए भी सबसे बेस्ट चीज़ ये है, क्योंकि ब्रोकरेज इतना लग जाता है, मैं हकीकत बताऊं, अगर आप सिंपल एक छोटा कैलकुलेशन करिए, एक छोटा ट्रेडर भी बेचारा प्रॉफिट भले वो 2000-4000 नहीं निकाल पाता, लेकिन अगर वो ब्रोकरेज अपना कैलकुलेशन करेगा तो उसका महीने का ब्रोकरेज ही 4000-5000 रुपये लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो ब्रोकरेज में क्या है, यहाँ पर आप जैसे देख रहे होंगे सब कुछ इंट्राडे आपका जीरो है सब कुछ। कैरी फॉरवर्ड में दो चीज़ें हैं, अगर आप ओवर 30 हैं तब आपका कैरी फॉरवर्ड अगर आप करते हैं तो ₹20 आपका लगेगा पर आर्डर, मतलब 40-45 रुपये वो आपका लग जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, इसको नॉर्मल में करते हैं, तो आपका इंट्राडे ब्रोकरेज कुछ भी नहीं है, ट्रेड फ्री प्लान में भी नहीं है, ठीक है।
और ट्रेड फ्री यूथ प्लान में तो आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, तब भी कोई ब्रोकरेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से पूरे लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटी दिखा देता हूँ। इसका चार्ट बहुत बहुत प्यारा है गाइस, आप कोई भी तरह से चार्ट आप यूज कर सकते हैं, चार्ट खोलिए कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट सेटिंग कर लीजिए। चार्ट सेटिंग में कोई इशू आता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। देख रहे हैं कैसे नेटवर्क हमारे यहाँ थोड़ा स्लो है, ये देखिए इस तरह से, जैसे कोई बहुत स्मूथ इसका चार्ट चलता है, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते इतना इसका स्मूथ चार्ट चलता है और एक्यूरेट टाइम में चार्ट चलता है। एक सेकंड का भी इसका चार्ट लेट नहीं है, ठीक है, एक सेकंड का भी चार्ट इसका लेट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आपको ओपन कैसे करना है, तो जैसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप गूगल क्रोम में जाते हैं, यहाँ पर जैसे आप गूगल क्रोम में जाएंगे, ठीक है, तो गूगल क्रोम में जाएंगे, गूगल क्रोम में आपको यहाँ पर डालना है www.kotaksecurity, ठीक है, kotaksecurity.com आपको डाल देना है, ठीक है, kotaksecurity.com जो भी है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है kotaksecurity। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाता है, ये ट्रेड फ्री यूथ प्लान जो है कम 30 साल से कम है उनको क्या है, फर्स्ट बार आपको 299 रुपये आपको पैड करना पड़ता है, बाकी आपका ब्रोकरेज इक्विटी में डिलीवरी में सब कुछ ब्रोकरेज जीरो है, इंट्राडे में जीरो है, करेंसी में जीरो है, कमोडिटी में जीरो है, सब कुछ जीरो है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप ट्रेड फ्री प्लान लेते हैं जो अबव 30 हैं उनको क्या है कि 99 रुपये पैड करना पड़ता है, ठीक है, पर इनका ऐसा कुछ सिस्टम है, तो इनका जो जीरो ब्रोकरेज है वो भी फ्री है। अगर इसमें क्या है कि अगर आप डिलीवरी करते हो जैसे मैं वहाँ पर बताया हूँ तो आपको 20 रुपये इसका आर्डर लगता है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर सब कुछ चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इनका आप बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं कि कितने लोग हैं, यहाँ पर सब कुछ आपका दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि अगर आपको मतलब अपना क्या करना है, अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन करना है, तो ठीक है, अगर आप चाहें तो ये जो आपको यहाँ पर क्लिक दिख रहा है, एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ, यहाँ पर सबसे जैसे नीचे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने स्क्रॉल किया था, अभी ये देखिए ओपन डीमेट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओपन डीमेट अकाउंट। आप जैसे यहाँ पर ओपन डीमेट अकाउंट में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर नंबर मांगता है, ठीक है, फ़ोन नंबर मांगता है, तो आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर डालना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर यहाँ किसी में भी क्लिक कर दीजिए ओपन नंबर, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर फ़ोन नंबर डालते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पर OTP आ जाएगा, ये देखिए गेट OTP में क्लिक करेंगे OTP आ जाएगा। जैसे OTP आता है उसके बाद आपकी पूरी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको एक आपका सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं आपको ध्यान बताऊँ, आपका जो आधार कार्ड है वो आपको इसी फ़ोन से लिंक होना चाहिए जिससे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, नंबर, समझ रहे हैं, तभी आपका प्रोसेस जो है तो बहुत फास्ट हो जाता है, आपका एक दिन के अंदर तुरंत अकाउंट आपको ओपन हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो इसी नंबर से लिंक होना चाहिए और साथ में जो आप बैंक का अकाउंट है वो भी इस नंबर से लिंक होना चाहिए, तो आपका क्या है कि तुरंत OTP आ जाएगा और आप उसको सब फिलअप कर देंगे और आपका अकाउंट तुरंत ओपन हो जाएगा। हाँ, F&O सेगमेंट आपका चालू होने में आपको हो सकता है 24 घंटे लग जाए, 48 घंटे लग जाए उसमें हो जाएगा, लेकिन आपका अकाउंट तुरंत ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप kotaksecurity में आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद जब आपका kotaksecurity में अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमारा kotaksecurity में अकाउंट ओपन हो चुका है, प्लीज़ हमारा इसमें kotak neo में शिफ्ट करवा दीजिए, तो हम आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा लेंगे और साथ में हमारे ग्रुप के जितने मेंबर हैं वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको कैसे कैसे करना है, तो आप kotak neo में जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास जैसे कि एक ही सिम है, अगर मैं यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा तो क्या है कि इसमें कुछ इशू आ सकता है, इसलिए आपको अकाउंट ओपनिंग में कोई दिक्कत नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फोटो मांगेगा, आपका पैन कार्ड का फोटो मांग सकता है, आपका आधार कार्ड का फोटो मांग सकता है, आप वहीं पर सब कुछ, और एक सिग्नेचर मांगेगा, आप सिग्नेचर पहले से करके अपने एक पेपर में उसको रख लीजिएगा क्योंकि वो डिजिटल सिग्नेचर मांगता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन एक बात आपको बता दूं, kotaksecurity सबसे बेस्ट चीज़ है, मेन चीज़ ये है कि जीरो ब्रोकरेज है इसमें, ब्रोकरेज बिल्कुल भी नहीं लगता, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और रही बात इशू की, बहुत से लोग बोलते हैं सर इशू आता है, सर देखिए हर एक एप्लीकेशन में ग्लिचेस कभी ना कभी आते हैं,
ठीक है, मैं इसको पिछले 2020 से यूज कर रहा हूँ, अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो, एक ही दिन मेरे में एक या दो दिन मेरे ग्लिचेस आए थे, उसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो गए थे वो क्या थे, वो मतलब कैंसिल नहीं हो रहे थे, वो सेल नहीं हो रहे थे, इस तरह से एक दिन हुआ था। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है सिर्फ कोटेक सिक्योरिटी के लिए, ये अप्लीकेशन तो ऐसे ऐसे अभी भी हैं जो आपके पूरे पैसे लूट के ले जाते हैं, ठीक है, अपने आप ऑर्डर डाल देते हैं, अपने आप ऑर्डर एग्जिट करके पैसे ले जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा इसमें कोई नहीं है, ये बहुत अच्छी कंपनी है। मैं देखिए मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ इस कंपनी का, लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूँ, मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप भी ब्रोकरेज से परेशान हैं तो ज़रूर आप कोटेक सिक्योरिटी को, आप कोटेक न्यू को या कोटेक सिक्योरिटी को आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। ओके, तो यहीं तक मेरा ये बताना था। बाकी देखिए अब और आप बोलेंगे, बोला सर सब कुछ बता दिया, इतना बकवास कर दिया, लेकिन आपने ये बताया नहीं कि अकाउंट कैसे ओपन करें। देखिए प्लीज़, मैं इसलिए नहीं आपको बता सकता क्योंकि मेरे पास एक ही सिम है और इस सिम से मेरे अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया कि यहाँ से आपको ओपन करना है, बाकी आप जैसे जैसे उसको बस करते जाएंगे आपके सामने सब कुछ ओपन होता रहेगा, इंटरफेस आप उसमें करते जाइएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, और नहीं होता तो आप मुझे आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप का जो ग्रुप का मैं नंबर है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। और देखिए दूसरी एक चीज़ और है, बहुत से लोग ये भी बोलते, बोला सर आप अपने लिंक से खुलवा दीजिए, सॉरी उस चीज़ के लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, मैं पर्सनली अपनी बात में बता रहा हूँ, मैं अपने लिंक से किसी का अकाउंट नहीं खुलवाता हूँ, ठीक है। मुझे इस चीज़ से कोई भी वो नहीं है कि नहीं मैं आपको अपने लिंक से अकाउंट खुलवाऊँ और 200-400 रुपये कमाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरा, बिल्कुल ये चीज़ नहीं। मैं हर चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर चीज़ मैं फ्री में करता हूँ, और भगवान अगर खुश है तो सब कुछ ठीक है, ठीक है, और अगर वही खुश नहीं है तो चाहे जितनी मर्जी आप पैसा कमा लो कभी ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ, और एक बार दोबारा आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।